शनि के महादशा से मुक्ति के उपाय। दोस्तों, भगवान सूर्य और छाया के पुत्र शनिदेव को कर्मफल दाता अथवा न्यायाधीश माना जाता है। शनिदेव को नव ग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव की महादशा जातक के जीवन में उथल पुथल मचा देती है। शास्त्रों में दो प्रकार की शनि महादशा बताई गई है। पहली शनि भैया, इसकी अवधि 2.5 साल होती है और दूसरी साढ़े साती, इसकी अवधि 7.5 साल होती है। शनि की महादशा को लेकर लोगों के मन में भ्रांति फैली हुई है कि शनिदेव की महादशा में जातक को अपार कष्टों का सामना करना पड़ता है। शनि की महादशा से सभी लोग डरते हैं क्योंकि शनिदेव को अशुभ और दुखकारक माना जाता है, लेकिन यह सर्वदा सत्य नहीं है। नवग्रहों में केवल एक शनिदेव ही हैं जो प्राणी को मोक्ष दिला सकते हैं। सत्य तो यह है कि शनि देव प्राणी के कर्मानुसार उचित न्याय करते हैं और दंड या शुभ फल प्रदान करते हैं। शनि देव केवल उन्हीं लोगों को दंडित या प्रताड़ित करते हैं जिनके कर्म अनुचित और दूसरों के लिए दुखदायी होते हैं। शनि देव के जन्म की कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शनिदेव का जन्म सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी छाया के गर्भ से हुआ था। कहते हैं कि शनिदेव की माता छाया भगवान शिव की परम भक्त थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब भी छाया भगवान शिव की तपस्या में इतनी मग्न थी कि उसे ठीक से खाने पीने का भी बोध नहीं रहा। घोर तपस्या में लीन रहने और ठीक से खाना न खाने की वजह से गर्भ में शनिदेव बहुत कमजोर हो गए और उनका श्याम वर्ण हो गया। शनिदेव के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। तभी से शनिदेव अपने पिता सूर्य देव से शत्रु का भाव रखने लगे थे। अपनी माता की तरह शनिदेव भी भगवान शिव की तपस्या करने लगे और अपनी साधना से भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने पिता सूर्य की ही भांति शक्ति प्राप्त की। भगवान शंकर ने शनिदेव को वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वोच्च स्थान होगा और तुम कर्मफल दाता कहलाओगे। शनि की साढ़े साती और धया से मुक्ति के उपाय। अगर आप पर शनि की महादशा साढ़े साती या ढैया चल रही है तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि की महादशा हमेशा कष्टकारक नहीं होती है, फिर भी शनि की महादशा से मुक्ति के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं। जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा हो उन लोगों के लिए शनि प्रदोष का दिन बहुत खास है। शनि प्रदोष व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। साथ ही नवविवाहित साधक को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अत प्रदोष व्रत पर साधक को श्रद्धा भाव से भगवान शिव एवं शनि देव की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष का दिन शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 4 शनि प्रदोष करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप धूल जाते हैं, साथ ही वह पितृऋण से भी मुक्त हो जाता है। एक लोटे में जल, दूध, गुड़ और काले तिल मिलाकर हर शनिवार को पीपल के मूल में चढ़ाने तथा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए पीपल की 7 बार परिक्रमा करने से आर्थिक कष्ट दूर होता है और शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से शनि की महादशा और अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करने से दुहक, कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। शनि की महादशा के दौरान गरीब, असहाय, घर के बड़े और महिलाओं का अपमान न करें। शनिवार के दिन काले तिल, वस्त्र और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। वहीं रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शनिदेव भगवान शिव और हनुमान जी के भक्त हैं,
इसलिए जो साधक भगवान शिव या हनुमान जी की श्रद्धा भाव से पूजा करता है उसके लिए शनिदेव की महादशा कष्टकारक नहीं होती। जातक को शनि की महादशा के दौरान हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए।